नाइट्रोजन लिक्विड रहता है उसी वो ठंडी रहती है, इस कारण वो धुआं निकलती है। दिखा रहे हैं बस स्मोक दिखता है इसमें और कोई हार्म नहीं है, बिल्कुल बहुत नॉर्मल बिस्किट की तरह इसका टेस्ट है। नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ सोनपुर मेले में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो सालों के बाद इस मेले का आयोजन किया गया है और काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं और यहाँ शॉपिंग करते दिख रहे हैं। आज इस बार के मेले में खास ऐसी चीज़ आई है जो सबका आकर्षण ले रही है, जो कि है स्मोकी बिस्किट। आज मैं मौजूद हूँ स्मोकी बिस्किट वाले के पास, जो कि बिहार में बहुत ट्रेंडिंग और इस मेले में खास करके बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं इसे ट्राई करने के लिए। आइए जानते हैं ये कैसे बनता है और लोगों का कितना क्रेज़ है इस बिस्किट को लेकर। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम अमरजीत कुमार हुआ, मैं पटना का रहने वाला हूँ। आप पटना के ही रहने वाले हैं? मैं दीघा का रहने वाला हूँ। इस बार इस मेले में ये नई चीज देखने को मिल रही है, पहली सोनपुर में पहली बार मैं लगाया हूँ। सोनपुर में पहली बार आप ही स्टार्ट किया? यस मैम, पहली बार सोचा कुछ नया करने के लिए। सोनपुर में स्मोक बिस्किट कभी नहीं था, इस बार सोचा कि कुछ नया करूं, इसलिए मैम स्मोक बिस्किट लाए। काफी लोगों का कहना है कि ये पहली बार लगा है सोनपुर में मेले में, इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से लोग लेने यूज खाने भी आ रहे हैं। यस मैम, ये क्योंकि मैम ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो नशा नहीं करते हैं वो धुआं दिखाना चाहते हैं, वो बिस्किट खाकर धुआं दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल हार्म नहीं करता है। यस मैम, नाइट्रोजन लिक्विड रहता है मैम, ये नाइट्रोजन लिक्विड रहता है उसी वो ठंडी रहती है, इस कारण वो धुआं निकलती है। तो ये लोगों को देखने को मिल रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं इसको खाने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैम। कैसा ये बिजनेस आपको, अच्छा दिख रहा है अभी? बहुत अच्छा दिख रहा है मैम, हो जाती है सेल रोज। प्रॉफिट लग रहा है आपको? यस मैम, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, बिना प्रॉफिट का तो नहीं है मैम। बिल्कुल, इस बार लाया हूँ मैम, पहली बार लाया, इसलिए लोग बहुत अलग अलग जगहों से ले आ रहे हैं इसको खाने के। यस मैम, यस मैम। तो इसका प्राइस रेट क्या रखा है मैम? एक बिस्किट 10 का रखे हैं मैम। एक बिस्किट 10 का रखे हैं? गुड डे बिस्किट 10 का, ओरियो बिस्किट 20 का। इसे कोई भी खा सकता है ना? यस मैम, कोई मैम खा के देख सकते हैं। मतलब जो स्मोक जिसको नहीं करना होगा, अगर इसे स्मोक दिखाना होगा तो खा सकते हैं। वो जो नशा नहीं करता है, वो धुआं दिखाना चाहता है, वो खा के दिखा सकते हैं। खा के बहुत ठंडी है। यस मैम, बहुत ठंडी रहती है, इसी कारण वो धुआं निकलती है। थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है धुआं? क्या मैम? थोड़ी देर के बाद स्मोक खत्म हो जाती है? यस मैम, जब बिस्किट टूट जाती है, टूटने के बाद उसके बाद धुआं खत्म हो जाती है। टेस्ट भी काफी नॉर्मल बिस्किट की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। गुड्डे बिस्किट है ये मैम, और ओरियो बिस्किट मैम 20 का देते हैं मैम। अच्छा, गुड्डे 10 का है और ओरियो 20 का रखा। यस मैम, अभी ज्यादा लोग कौन सा खाना पसंद करते हैं, ओरियो या फिर गुड्डे? नॉर्मल लोग जो रहते हैं 10 का जो सस्ता खोजते हैं वो 10 का खाते हैं, जो जानते हैं ओरियो बिस्किट अच्छा है तो वो 20 का खाते हैं। सारे लोगों के लिए अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, जो जानते हैं ओरियो का अच्छा टेस्ट रहता है तो वो ओरियो खाते हैं। अच्छा, आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ के जो मेले घूमने आए हैं उन लोगों से पूछते हैं कि वो ट्राई किए हैं कि नहीं किए। भैया, कभी ट्राई किए हैं ये स्मोकी बिस्किट? मैं नहीं किया ट्राई। तो ट्राई करने का मन है? मेरा भाई करेगा ट्राई। आइए, अरे आइए, आइए भैया ट्राई कीजिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रेहान हुआ। आप कहाँ से आए? पटना सिटी। स्मोकी बिस्किट एक बार ट्राई करना चाहिए? जी करूँगा जरूर। आप मेला घूमने के लिए आए? जी मैं मेला घूमने के लिए। यहाँ एक और मैम को आप देख सकते हैं, जैसा कि वो भी ट्राई कर रही हैं स्मोकी बिस्किट। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई हार्म नहीं करता है, ये कोई भी खा सकता है, ये बच्चे बूढ़े कोई भी लड़के लड़कियाँ कोई भी खा रहे हैं। बस स्मोक दिखता है इसमें और कोई हार्म नहीं है, बिल्कुल बहुत नॉर्मल बिस्किट की तरह इसका टेस्ट है। आइए कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि कैसा लग रहा है इनको बिस्किट खाने के बाद। मैम, कैसा लग रहा है बिस्किट खाने के बाद? सही लग रहा है, नॉर्मल बिस्किट तरह ही टेस्ट है ना? हाँ हाँ हाँ, अलग बिस्किट की तरह नहीं लग रहा? नहीं, ज़्यादा ठंडी लग रही थी बस। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सब तक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।